सुनो मंडे मत करना फिर, मंडे में नहीं हो, वेडनेसडे कर लेंगे। हाँ वेडनेसडे कर लेना। चलो भाई मिलते हैं। अच्छा कोई प्रोग्राम है? नहीं नहीं प्रोग्राम नहीं। आज ले है? अच्छा सेंसर वाला लिया नहीं तुमने यार। अरे सेंसर है तो ये मैं चालू नहीं कर रहा हूँ, अपना वीडियो बना रहा हूँ मैं तो। ऐसे ही हमारी बन रही है, पब्लिक की बन रही है? हमारी बन रही है। ओके अच्छा जय श्री राम। पब्लिक बढ़ रही है, कोरोना ने जैसे तैसे बचाया था, अभी ये जो है देशों में जो है आपस में ये लोग भिड़े रहे हैं, सब अपने अपने परमाणु बम लेके खड़े हुए हैं, सब अपने आप को तोपची समझ रहे हैं, तोपची समझ रहे हैं। ये नहीं पता कि दुनिया वो एक ही है, ये दुनिया एक ही है। अगर आप बॉर्डर के इस तरफ कुछ फेंकोगे तो हवा की लहर के साथ उस तरफ भी महक आएगी उसकी। तो हमारा तो सबसे यही निवेदन। वैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे पाकिस्तान में कुछ मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट है उनको जो अज्ञात लोग हैं वो मार रहे हैं धीरे धीरे, वो खत्म हो रहे हैं, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं बहुत ही सही है वो, तो वही थी कि टेररिस्ट जो है ना उसको तो मारना ही चाहिए, खत्म करना चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट और जो टेररिज्म है वो हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई किसी को नहीं देखता है। वो तो तबाही का गड़े बम लेके आएगा, फोड़ लेगा पब्लिक में, उसे क्या पता कौन मर रहा है बगल में उसके, मुस्लिम खड़ा है हिंदू खड़ा है। सही बात। तो ऐसे लोगों को तो नस्तो नाबूद करना चाहिए, ये मेरे अपने विचार है। और हमारा भारत जो है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं, उन्होंने यूएन में भी अपनी स्पीच में बोला कि हम एकजुट होकर टेररिस्ट का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान जैसा छोटा देश इसमें कहीं नहीं आता है, वो तो खुद नस्तो नाबूद होते हैं। लेकिन हम ये ऐसा नहीं कि वहां के लोग गलत होते हैं, जो जो गलत करेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही पाकिस्तानी भी हमारे भारत को बोलेंगे तो हमारा खून खौल उठेगा। इसलिए अपने अल्फाजों को वापस लेते हैं। चलो ठीक है। और हम निकल पड़े हैं अभी बारापुला के रोड पर, आप जरा कैमरा घुमा के दिखाइए इनको, यह है दिल्ली का बारापुला रोड। आप उल्टे हाथ पे देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो यहाँ का बहुत बड़ा स्टेडियम है दिल्ली का, और ये हमारा, क्योंकि दिल्ली ग्रीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, तो ग्रीन और क्लीन के जो हमारा स्लोगन है उस पे है, तो आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि गर्मी बरसात जाड़े कुछ भी हो दिल्ली ग्रीन सदैव रहती है। हमारे प्रबल भाई जो इस वक्त कैमरा के लिए दाएं बाएं घुमा रहे हैं, नींद पानी पी के तो राहत मिली कि दिल्ली का टेम्परेचर आज 38 डिग्री है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। जैसे जैसे मई जून आएगी गर्मी और बढ़ेगी, तो हम लोग उस वक्त प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक महीने के लिए बाहर कश्मीर में जो है शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग गर्मियों में नॉर्मली स्विट्जरलैंड वगैरह जाते थे, इस साल हम लोग कश्मीर में रहेंगे क्योंकि लोकल एंड वोकल। सुनो सुनो आप जाते थे मुझे मत जोड़ो, मुझे आगे भेजना वो बात अलग है। तो इस वक्त हम लोकल और वोकल पे ध्यान दे रहे हैं, तो भारत जो है तो भारत में ही खर्चा करेंगे। सही बात है, विदेश में नहीं लेके जाएंगे। सामने आप देख रहे हैं हिमायू टॉम, जो कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने विजिट किया था तब से ये बहुत फेमस हो गया है, विदेशों में भी लोग स्पेशली यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं। गोयल जी क्या क्या बोल रहे हैं? गोयल जी, गोयल जी क्या है ना, गोयल जी बिजनेसमैन है और वो एक स्कीम चला रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या किया है, आप 1,000 रुपए दो। अच्छा। और उसमें आपको जो है 20 से 25 महीने तक 1,000 रुपए देने से 100 मेंबर रहेंगे। चंद्र विहार मंडावली में हमारे जो विजय गोयल ज्वेलर्स जो है। अच्छा अच्छा। तो उसमें आपने लॉकेट लिए थे? हाँ हाँ। तो उसमें उन्होंने क्या प्रावधान रखा हुआ है कि 1 से लेके 20 महीने तक सिर्फ 20 लोगों को लकी ड्रॉ में निकलेगा नाम, 100 में से 20 को लकी ड्रॉ मिलेगा, जिसको जिस महीने में लकी ड्रॉ मिलेगा। जैसे हम हर महीने जमा कर रहे हैं 1,000 रुपीज। जी ठीक है। तो वो डूबेंगे ना? नहीं नहीं वो डूबेंगे नहीं, वो असल में क्या है, लास्ट में आपको 20 महीने के बाद आपको 24,000 रुपए लकी ड्रॉ नहीं निकला आपका तो आपको 4,000 रुपए ज्यादा ही मिलेंगे, और उसका 24,000 का ज्वेलरी आप कुछ ले सकते हैं हमारे गोयल साहब जी के यहाँ से। बहुत ही प्रिय सज्जन है, बहुत ही अच्छे सज्जन है, खाटू श्याम के भक्त हैं। सुनो और
पेट्रोल की घंटी बज चुकी है, खाली हो गया है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।